अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला पर विश्वम विष्णु पाद अशोक अक्ष शिशुमत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर समस्त रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। सपाक्ष सपरिकक्ष शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जयुक्त हो। सपाक्ष सपरिकक्ष श्री गौर नित्यानंद प्रभु जयुक्त हो। उपस्थित पूज्य पाठ श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। तो जो गेट में बैठा ना घर इधर कर तो नहीं करेंगे तो सटक कर बैठा तो उधर लोग बैठ नहीं पा रहे और इसी घर थोड़ा देर किसी का माता है जैसे 12 बजे से जल गए थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी और इधर आ जा और एकदम पास पास में बैठ जा और थोड़ा बगे आ जा वो गेट में बैठ नहीं पा रहे जो गेट में बैठे बीच में आ जाओ सब। तदनंतर उपस्थित वैष्णव वैष्णवी श्रीमद भागवत कथा श्रवणकारी शोक मंडली सबके चरणों में मेरा जिता जो के दंड प्रणाम। हरे कृष्णा आवाज आ रही है मेरे पीछे तक सुनो थोड़ी देर इतनी प्रशंसा सुन ली थोड़ी सी बात भी सुन लो। हम लोग महाराज जी के मुख से आप लोग चार पांच दिन हो गए आपको भागवत कथा सुन रहे हो। उससे पहले भी बहुत बार महाराज जी ने आकर भागवत कथा सुनाई। आज बता रहे हैं कृष्ण का जन्म है आज कृष्ण बनाएंगे हमारे गुरु महाराज जी के मंदिर ऐसे लगाए यहाँ पर कोई चित्र होगा हमारे गुरु जी का श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी। हमारे गुरु महाराज जी जब मथुरा में रहते थे तो बड़े जतन करके हम लोगों को ये भागवत की बहुत सारी कथा बताया करते थे और कथा बतलाते हुए गुरु जी एक बड़ी अच्छी बात बताते थे कि हम लोग जो ये भागवत कथा सुन रहे हैं कोई ये बच्ची बता रहे थी मैं बाहर से आया तो सुन करके ऐसा लगा कि कोई वृंदावन से आई है कोई हमारी गुरु है। इतने धारा प्रवाह फ्लुएंट हरी कथा बोल रहे थे इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही देख करके सुन करके लग रहा है संघ का फल है घर में जैसा भी महाराज जी बता रहे घर में ऐसा परिवेश है कथा सुनने का माता पिता शिक्षा दे रहे हैं बड़ा प्रभावित हुआ मैं तो सुन करके। हम लोग बहुत सारी सभा में जाते हैं जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं ब्रज के विद्वान लोग नवद्वीप में जाते हैं इधर उधर बड़े पुरंदर पंडित लोग बड़े शास्त्र के श्लोक कहते धारा प्रवाह उनके साथ में बड़ी सारी बातचीत भी हो जाती है कभी तर्क वितर्क भी हो जाता है तो हम देखते जैसे वो लोग पंडित लोग धारा प्रवाह हरी कथा बोलते बिना रुके श्लोक श्लोक की व्याख्या इधर प्रमाण उतना प्रमाण ऐसे छोटी सी बच्ची कथा बोल रही है मैं तो सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। मैंने सोचा मैं क्या बोलूँ जैसे छोटे छोटे बच्चे की अच्छी हरी कथा बोल रही है और विशेष करके लड़की है और जिस समाज की महाराज जी बात कर रहे हैं उस समाज में तो बड़ा पिछड़ापन है इसलिए ये भी एक प्रकार का प्रमोशन है दिखलाई दे रहा है कि छोटी छोटी बच्चियां भी आगे बढ़कर के इस धर्म को ग्रहण कर रही हैं और इनके माता पिता इनको स्वीकार कर रहे हैं खुल करके कि तुम ग्रहण करो हम तुम्हारे साथ हैं इसलिए बड़ी प्रशंसा की बात है। जो बच्ची है ना हरे कृष्ण अरे ये जो बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती है वो उसमें ज्यादा मुसलमान लड़की पढ़ती है ज्यादा मुसलमान लड़का लड़का। एक समय जब उनकी चर्च में जब वो नमाज पढ़ते हैं अगर क्लास का बीच अगर वो अभी टीचर क्लास दे रहा है ठीक उसी समय चर्च में अगर माइक बजना शुरू हो जाती है वो लड़कियां अपना गुरखा पहन करके क्लास का बीच में चली जाती है टीचर मना करने पर भी नहीं सुनती बोले नहीं हमारी नमाज शुरू हो गया अभी क्लास बीच में लेकिन टीचर का आदेश नहीं पालन करते हैं वो बीच में चली जाती है। एक समय उसके साथ में बड़ी बहसी हो गई उसके साथ में अभी जो बता रहा बड़ी बहसबाजी उसके साथ में हो गई लेकिन इसने ऐसे उत्तर दिया ना उसको चुप कर दिया मुसलमान लड़कियों को उन्होंने इसने ऐसे आंसर दिया उनको उन्होंने एकदम चुप कर दिया ऐसी लड़की ने मतलब जो मुसलमान लड़कियाँ इतनी पक्की है लेकिन शुक्रवार के दिन मैं रोड में छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना कर ले जाती है आप कभी बोलते हो बच्चों की माला करो
बोलो, बोलते हो बच्चों के पास माला करो, कहाँ से संस्कार मिलेंगे बताओ बच्चों। अभी हम फरीदाबाद में एक ओल्ड हाउस में गए थे, देखो आप इतने करोड़ों करोड़ों व्यक्ति लोग ओल्ड हाउस में, जिनकी पांच पांच गज की मकान, हजार हजार गज की मकान, ध्यान देकर सुनो, कहते हो सबके सब ओल्ड हाउस में बैठे हुए। हम उनको साथ में बात किया, भैया तुम ओल्ड हाउस में बैठे, इतने पैसा वाला भले बाबा हमसे गलती हो गई, बच्चों को ज्यादा मैंने पढ़ा दिया। कहते बच्चों को हमने इतने लिखाया पढ़ाया, इतने लिखा पढ़ा सिखा जो हमारे बात नहीं मिली, फिर घर में बहु आए तो घर हो गया, हमको घर से बाद में निकाल दिया। लास्ट हम मजबूरी होकर के हम अपना घर पांच गज की कोठी छोड़ करके हमें ओल्ड हाउस में हमें बना। अगर बच्चों को बचपन में अगर संस्कार दोगे ना, भजन के अगर संस्कार दोगे, मैं पहले बोलता हूँ ना, हमारे गुरु जी को पास में कोई आए, बोले गुरु जी बेटा बात नहीं सुनता है, गुरु जी क्या बोले, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चों को रामायण पढ़ाते हो, बोले नहीं, बोले जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ाएगा ना उसको यही दंड है। अगर रामायण पढ़ते पढ़ाते, रामायण में लिखा हुआ प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमः माथा, जब दशरथ महाराज सैन्य करते स्वयं राम चरण सेवा करते हैं, बच्चों को तो रामायण नहीं पढ़ाया, भगवान पिताजी के आदेश पालन करेंगे 14 साल के लिए प्रवास हुआ। भगवान खुद अपना बेटे को बोलो 14 दिन के लिए कहीं जाए, 14 दिन के लिए तो मन मन की घूमने चले जाएगा, लेकिन तुम्हारी आदेश पालन करने के लिए एक दिन भी नहीं गए। बोले क्यों, हम रामायण नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते, समझ रहे हो, क्या करो, रामायण गीता बच्चों को पढ़ाओ, भगवान के नाम कराओ, जब स्मार्टफोन दे सकते हो फिर उसको क्या नहीं बोल सकते बेटा, तो एक माला जप कर, क्या नहीं बोल सकते बेटे को, मतलब तुम्हें बैठा दो, नहीं भी बैठो, बैठो वहीं पर, इसलिए माता जी बैठ जाओ वहीं पर, बीच में आने की जरूरत, वहीं बैठो, इसलिए जब हम बच्चों को इधर उधर चीज सिखाते हैं, क्या थोड़ी भक्ति नहीं सिखा सकते, एक माला नहीं जपा कर सकते, रामायण नहीं पढ़ा सकते हो, ठीक है ना, क्या करना, देखो अच्छे तरह से कान खोल कर सुनो, सबसे पहले तुम्हें करना पड़ेगा, फिर बच्चों को तुम बोल सकते हो, अगर खुद नहीं करोगे ना बच्चों को कभी नहीं बोल सकते, तुम माला करो, पहले गले में गंठी तिलक लगाओ, पहले माला करो, फिर बच्चे को बोलो बेटा तू भी एक माला करो, तभी बच्चे जाकर के माला करेगा, नहीं तो कभी नहीं करेगा। पहला गुरु कौन है, कौन है, माता पिता, ठीक है ना, इसलिए कल एकादशी व्रत है, इसलिए यहाँ पर तो बहुत सारे भक्तों को माला माला लिए हैं, लेकिन जो लोग नहीं लिए ना माला, कल आकर के इनकी बेटी के घर में हम लोग विनोद जी के घर में हम रुके हैं, जब नहीं लिए आकर के माला ले आना, गले में कंठी ले आना, खुद भी भजने करना और बच्चे को भी बोलो तुम ये माला बोलो। हरे कृष्णा, कहा थे ना, प्रसंग बीच में छूट गया, मैं बतला रहा था जिस समाज की अभी महाराज जी ने बात की उसमें एक दुर्लभ बात है ये, और देख करके बड़ा उत्साह हुआ, बड़ा मन भी प्रसन्न हुआ, जैसा कि बार बार जोर दे करके बतला रहे हैं, इस चीज के महत्व को थोड़ा सा आप लोग भी समझने की चेष्टा करेंगे। जब हम लोग इस मार्ग में आए, हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे जाति वर्ग ने इतने सारे कटाक्ष कहे हमारे ऊपर, इतने सारी बातें कही, इतनी सारी बातें, हमारे मन में भी प्रश्न हो गया, हम सही कर रहे गलत कर रहे, बार बार ये प्रश्न खड़ा कर देते, तुम गलत कर रहे, तुम गलत कर रहे, किंतु आज जब लगभग 17-18-19 वर्ष हो गए, उस समय भी मन में प्रश्न तो आया, किंतु सब समय मन में एक विचार था, जब हम अपने गुरु जी को देखते थे, जब अपने गुरु जी की कथा सुनते थे, गुरु जी का संग करते थे, बड़े सौभाग्य से गुरु जी के पास में रहने का भी अवसर मिला, बहुत सारी जगह गुरु जी के साथ घूमने का अवसर मिला, हमको ये सब समय मन में विश्वास होता था, हम इससे अच्छी जगह पे और कभी नहीं आ सकते, हम जो कर रहे हैं चाहे हमारे माता पिता, हमारे जाति वर्ग कितने भी कटाक्ष क्यों ना करें हमारे ऊपर, किंतु हम जहाँ पर हैं इससे अच्छी एसोसिएशन, इससे अच्छे संघ में हम कभी नहीं आ सकते। बार 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 गुरु जी ने हमको प्रेरणा भी ऐसे ही दी, तुमको ये काम करना है, तुमको ग्रंथ की सेवा करनी है, तुमको ये करना है,
इसलिए कभी भी एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि हमको इसको छोड़ करके और कुछ करना है। विशेष करके और मैं एक बात बता दूं, ऐसा लग रहा है कि इस समाज की थोड़ी ज्यादा प्रशंसा हो रही है, किंतु वास्तव में प्रशंसा नहीं है। जैसे भगवान ने भागवत गीता में बात बताई है कि ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण मेरा मुख है। ब्राह्मणों के ऊपर भगवान ने दायित्व तो दिया है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण का कार्य अध्ययन करना, अध्यापन करना। किंतु वास्तव में आजकल योग्य ब्राह्मण, अच्छे ब्राह्मण मिलते नहीं है। जो आचरणशील ब्राह्मण है वो मिलते नहीं, किंतु प्राचीन काल में ऐसे ब्राह्मण हुआ करते थे जिनके आशीर्वाद से सब कुछ हमारी मनोवांछा पूरी हो जाती थी। और जो श्राप देते थे वो श्राप भी इतना प्रभावशाली होता था कि उसका बड़ा प्रभाव दिखलाई पड़ता था। किंतु आजकल ऐसे आचरण करने वाले ब्राह्मण नहीं है। किंतु वैदिक रीति के अनुसार, शास्त्र के अनुसार भगवान ने ब्राह्मणों को ये दायित्व दिया है कि तुम अध्ययन करो और तुम अध्यापन करो। अब इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हो गए, जाति के अनुसार ब्राह्मण श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि शास्त्र ने बताया जेई भजे सही बड़ो अभक्तहीन सार, कृष्ण भजने नाही जाति कुल आदि विचार। जो लोग भजन करते हैं भजन के परिमाण से उनको श्रेष्ठ माना जाएगा, जाति और कुल के आधार पर किसी को श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। बहुत सारे ऐसे संत हुए जो निम्न जाति में पैदा हुए किंतु भगवान की भक्ति करके वो ब्राह्मण वैष्णवों के भी पूजनीय हुए। हरिदास ठाकुर जी वो तो मुसलमान कुल में आए, किंतु महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य हरिदास ठाकुर की उपाधि दी। तो इसलिए जाति कुल का कोई विचार नहीं है परमार्थिक राज्य में। किंतु जिस प्रकार भगवान ने ब्राह्मणों के ऊपर दायित्व दिया है, उसी प्रकार जिस समाज की महाराज जी बात कर रहे हैं, इस समाज का इतिहास जो है, हम बहुत कुछ सुनते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग जो है, वृद्ध लोग जो है, वो बहुत कुछ इतिहास बताते हैं कि हमारे निकास यहाँ से हुआ, हमें अमुक स्थान से आए, हम अमुक स्थान से आए। किंतु हमारे भक्ति राज्य की जो अथॉरिटी है शिलारूप गोस्वामी पाद, उन्होंने ग्रंथ लिखा है, आप लोगों की देखने की इच्छा है वो ग्रंथ हम लोग दे देंगे। उसका नाम है श्री राधा कृष्ण गणोपदेश दीपिका। उस ग्रंथ में रूप गोस्वामी पाद ने इस समाज का, जिस समाज के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, उस समाज का परिचय दिया है कि वास्तव में समाज का गौरव क्या है। उन्होंने बात बताई पशुपालास्तथा वैश्या आभिरा गुजरास्तथा गोपवल्लभ पर्याया यदुवंश समुद्भव। इस समाज का इतना गौरव है, गौरव कहने का इसके ऊपर दायित्व है। ऐसा मत समझ लेना इस समाज में हम आ गए तो हम श्रेष्ठ हो गए, हम कुछ विशेष हो गए। श्रेष्ठ तब होंगे जब भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, श्रेष्ठ तब माना जाएगा। किंतु ये जो समाज है इसका बहुत सुंदर इतिहास है, इसका बहुत सुंदर गौरव है। ये सारा समाज ब्रज से निकला है, जिसको रूप गोस्वामी पाद बता रहे पशुपालास्तथा वैश्या आभिरा गुजरास्तथा। कृष्ण के समय में, आज कृष्ण का जन्म है, कृष्ण के समय में ब्रज में तीन जाति पशु पालन करती थी, एक आभिर जाति, एक वैश्य जिनको अहिर कहते हैं, एक वैश्य जाति और एक गुजर जाति जो पशु पालन करते थे। और रूप गोस्वामी पाद बता रहे गोप वल्लभ पर्याया यदुवंश समुद्भवा, सारे गोप जाति के थे। गोप जाति समझते जो पशु पालन करते, खेती इत्यादि करते, गोप वल्लभ पर्याया यदुवंश समुद्भवा, तो सारे यदुवंश से निकले हैं। तो इसलिए वास्तव में समाज का बहुत सुंदर इतिहास, बहुत सुंदर गौरव, ये सब ब्रज से निकले हैं। अब जिसका जितना ज्ञान है वो बदला देता है, हम यहाँ से निकले, हम यहाँ से निकले, हमारा यहाँ से निकास हुआ। किंतु वास्तव में रूप गोस्वामी पाद जो भक्ति राज्य की अथॉरिटी हैं, उन्होंने इतिहास बदलाया। इसलिए जैसे कि हमारे गुरु जी कहते थे, हम सारे देश दुनिया में गए अपने गुरु जी के साथ, बहुत सारी जगह यात्रा की, बहुत सारे देशों के लोगों से मिले। जब हमारी ब्रजमंडल की परिक्रमा होती थी 80 से ज़्यादा देशों के लोग आते थे, मुसलमान देशों के लोग भी आते थे। और वो हमारी संस्कृति को, जिसको हम गौरवशाली होकर के कहते हैं भारतीय हैं, हमारी संस्कृति को बड़े गंभीरतापूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में परिवर्तन आया, 80 से ज़्यादा देशों के लोग आते थे और इतने सुंदर रूप में वो इस सबको ग्रहण कर रहे हैं। जिस कंठी माला तिलक को धारण करने के लिए बार बार आग्रह किया जा रहा है, उसके गुरुत्व को समझ करके बाहर से कभी आप हमारे मठ मंदिर में, ब्रजमंडल परिक्रमा में, नवदीप परिक्रमा में जाएंगे तो देखेंगे इतने सारे देशों के लोग आकर के, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में रह करके भजन कर रहे हैं। किंतु हम लोगों को संकोच होता है, समाज क्या कहेगा,
घर परिवार क्या कहेगा, ऐसे वस्त्र पहन लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तिलक लगा लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। किंतु संकोच को उन लोगों ने सब प्रकार से छोड़ दिया, अपनी संस्कृति को छोड़ करके हम भारतीय ग्रहण कर रहे हैं और गौरव अनुभव कर रहे हैं। हम भक्त हैं, हमने अपने गुरु जी का आश्रय लिया। आज आप इस्कॉन के मंदिर, इंटरनेट का युग है ना महाराज जी, बता रहे बच्चे बच्चा स्मार्टफोन यूज करता है। अगर इंटरनेट को सब लोग चलाना जानते, एक बार गूगल करेंगे, सर्च करेंगे तो देखेंगे सारी दुनिया में ये श्री कृष्ण चैतन्य मूवमेंट कितनी प्रभावशाली रूप में चल रही है। और हम लोग जो उसके तल में बैठे हैं, यदि हम लोग उसके गुरुत्व को, उसके गौरव को ग्रहण ना करें तो वास्तव में क्या है, हम लोग आत्महत्या है। कौन जो निर्दय माध्यम, जो इस मनुष्य शरीर को पाकर सुलभम सुदुर्लभम, ये मनुष्य शरीर हमको सुलभ हो गया, जो सुदुर्लभ है ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर प्लवम सुकल्पम गुरु करण धारम, जो गुरु धारण करके मेरी भक्ति नहीं कर रहा उसको भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, सा आत्महा, वो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। तो हम इतना निकट में रहकर अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को यदि हम लोग स्वीकार ना करें, हम लोग ग्रहण ना करें तो वास्तव में भगवान कह रहे हैं हम लोग आत्महत्या कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इसलिए इस वस्तु के गुरुत्व को, इस वस्तु के गौरव को हम सबको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। बड़ा गौरव है कि हमारा तो कहीं ना कहीं से आज कृष्ण का जन्म है, कल राधा जी का जन्म होगा। हम पुराने संतों के जब भजनों को, क्योंकि बंगाली भाषा से हिंदी में अनुवाद करते हैं, अंग्रेजी से हिंदी में ग्रंथों को ट्रांसलेट करते हैं, तो पढ़ते हैं सब समय कि पुराने पुराने संतों ने कहीं से कोई कोटेशन चाहिए, किसी बात का रेफरेंस देना, किसी बात का प्रमाण देना, तो हम देखते पुराने संतों ने राधा जी को, ललिता सखी को गुजरिया कहकर के संबोधित किया, ये गुजर जाति की है। तो हमारा तो गौरव है, हमको तो गौरव बोध करना चाहिए। गौरव बोध करने का कभी मत समझना हम श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ जाति की, श्रेष्ठ व्यक्ति होगा भक्ति करने से, श्रेष्ठ व्यक्ति होगा भजन करने से। इसलिए कृष्ण भजन में जाति कुल का कोई विचार नहीं है। किंतु यदि हमको इस समाज में जन्म मिला, हमको भारत में जन्म मिला, हमारा कुछ विशेष सौभाग्य है, इस सौभाग्य को वर्णन करना चाहिए। सदगुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करके हरि कथा, हरि भक्ति थोड़ा सा भी अपने जीवन में अपना लो, जीवन संपूर्ण रूप में परिवर्तन हो जाएगा। मैं बता रहा था आप लोग भागवत सुन रहे हैं, हमारे गुरु जी बताते थे इस भागवत को सुनने का जो सर्वोत्तम फल है, इस भागवत को सुनने का जो सर्वोत्तम फल है वो क्या है। हमारे गुरु जी कहते थे, स्वयं भागवत ने बतलाया, यस्याम वै शूय माणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूप पदवे पुंसाम शोक मोह भयावह। इस भागवत को सुनने का जो सर्वोत्तम फल है, हम लोगों ने भागवत सुनी, पूर्व पूर्व वर्षों में भी हम लोग भागवत सुनते रहे, किंतु भागवत को सुन के हमने ग्रहण कितना किया, हमारे जीवन में परिवर्तन कितना आया, ये प्रश्न है। जब आप ग्रह में लौट करके जाएंगे, अपने घर में लौट करके जाएंगे, तब आप अपने मन से पूछेंगे हमने जो ये भागवत सुनी, इस भागवत को सुन करके हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया। क्योंकि यदि वास्तव में परिवर्तन नहीं आया, केवल शरीर से बैठे रहे इस भागवत कथा में, तो कुछ ना कुछ सुकृति होगी, कुछ ना कुछ संस्कार होगा, किंतु जो वास्तविक फल है उस वास्तविक फल को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप में कह दिया, मत कथा वास्तव नित्य, मत कथा श्रवणे रतन, मत कथा प्रीत मन संग ना हम तत्श्यामी तम नरम। मैं किस व्यक्ति के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता हूँ, किस व्यक्ति को मैं प्रीति करता हूँ, जो मेरी कथा को सब समय कहता है, मेरी कथा को सब समय सुनता है और मेरी कथा को मन से प्रीति करता है, मन से ग्रहण करता है। भगवान कहते हैं ना हम तत्श्यामी तम नरम, मैं ऐसे व्यक्ति को कभी परित्याग नहीं करता। इसलिए भागवत को सुनने का जो सर्वोत्तम फल है, वो सर्वोत्तम फल क्या है, भगवान बता रहे यस्याम वै शूय माणायाम, जैसे ही भागवत सुनेंगे, कृष्णे परम पुरुषे, जो भगवान परम पुरुष कृष्ण है उनके प्रति भक्ति रूप पद्धति पुंसाम शोक मोह भयावह, उनके प्रति हमारी शोक मोह भय का नाश करने वाली भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। देखो आप लोग आज कृष्ण के जन्म की बात सुनोगे, उसके बाद कल परसों समय अनुसार कृष्ण की लीलाओं को सुनोगे। कृष्ण ने ब्रज में जन्म लिया, तो हमारे गुरु जी बताते हैं भगवान कभी जन्म लेता है, भगवान तो अजन्मा है, भगवान तो अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं है, तो फिर कृष्ण ब्रज में कैसे जन्म लेते हैं, कृष्ण ब्रज में कैसे जन्म लेते हैं। आप लोगों ने भगवान नरसिंह देव की कथा सुनी, पूर्व पूर्व दिनों में सुनी होगी, नरसिंह देव कहां से प्रकट हुए, कहां से प्रकट हुए, खंभे में से। खंभे को नरसिंह देव का पिता कहोगे, खंभे को नरसिंह देव का पिता कहोगे, नहीं कहोगे।
भगवान भरादेव जब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आए तो ब्रह्मा जी के नाम से प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी को भगवान भरादेव का पिता कहेंगे? समझना बात को ध्यान से, कान इधर उधर दे दोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। भरा भगवान जब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हिरण्यकशिपु के छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध किया, कहां से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी की नाक से। तो ब्रह्मा जी को भगवान का पिता कहेंगे? नहीं कहेंगे। जब भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अपनी गौमुखी की गदा को चला चला करके परीक्षित महाराज की रक्षा की, तो भगवान तो उत्तरा के गर्भ में भी गए और गर्भ से बाहर आए। गर्भ में जाने पर, गर्भ से बाहर आने पर, उत्तरा को भगवान की माँ कहते हैं। किसको कहते हैं भगवान की माँ? यशोदा मैया को। क्यों कहते हैं? भगवान ने अजन्मा होने पर भी यशोदा मैया के वात्सल्य रस के, मैया की प्रीति के वशीभूत होकर के प्राकृत शिशु के समान जन्म लिया, जिसको भागवत में कहते हैं सद्यो बहुवा प्राकृत शिशु। प्राकृत नहीं है, हमारे जैसे नहीं है हाड़ मास के, किंतु इतनी प्रीति है यशोदा मैया की, इतनी प्रीति है कि उस प्रीति के वशीभूत होकर भगवान बालक के समान जन्म देते हैं ब्रज में। उनका नाड़ी छेदन संस्कार होता है और यशोदा मैया नंद बाबा उनका जात कर्म संस्कार कराते हैं, उनका नामकरण संस्कार कराते हैं। तो आप मन मन में इस बात को विचार करो कि ये ब्रजवासियों की कैसी भक्ति है, जिसके वशीभूत होकर के, उन ब्रजवासियों के वशीभूत होकर के जो अजन्मा भगवान है वो यशोदा मैया के गर्भ से जन्म ले रहा, और केवल जन्म नहीं ले रहा। हमारे गुरु जी ये ब्रज की कथा सुनाते थे बड़े भाव विभोर होकर। क्यों सुनाते थे? कि हमको लोभ हो, ये भक्ति करने के लिए हमारे मन में लोभ जागृत हो। वो अजन्मा भगवान, वो कृष्ण जिनके विषय में शास्त्र में कहा गया योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि, बड़े बड़े योगी लोग जंगल में जाकर, वन में जाकर तपस्या करते हैं लाख लाख साल तक, उनकी आयु बहुत लंबी होती है, श्वास को रोक लेते हैं, बहुत वर्षों तक तपस्या करते हैं, किंतु भगवान का जो परमात्मा के रूप में भगवान हृदय में बैठे उनका दर्शन नहीं मिलता, उनका दर्शन नहीं मिलता। जब कृष्ण पांडवों के घर में रह रहे थे हस्तिनापुर में, तो बड़े सारे ऋषि मुनि लाइन लगाकर कृष्ण का दर्शन करने आते हैं, उनको दर्शन नहीं मिलता। किंतु कृष्ण ब्रज में यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेकर कैसी लीला कर रहे हैं। कृष्ण की यदि एक ये भक्ति हिल जाए, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल भयभीत हो जाते हैं, किंतु जब यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ करके ऊपर से बांध देती है, सुनी होगी आप लोगों ने कथा, और छड़ी दिखाती है, तो छड़ी दिखा रही है, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भय भी जिनसे भयभीत होता है वो कृष्ण छोटी सी छड़ी को देख करके भयभीत हो रहे हैं। सात अंक नेत्रम, कृष्ण के नेत्रों में भय दिखलाई दे रहा है, इतना भय आज तो मैया मारेगी। वो जिनकी एक रुक्ति हिलने से बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल भयभीत हो जाते हैं, इंद्र ब्रह्मा शिव जो भयभीत हो जाते हैं, वो यशोदा मैया की छड़ी से भयभीत हो रहे हैं। बड़े बड़े योगी लोग जिनको कोटि कोटि साल तपस्या करके अपने हृदय में जिनका दर्शन नहीं कर पाते, जिनको पकड़ नहीं पाते, यशोदा मैया जो थोड़ी मोटी है, स्थूल काय है, वो यशोदा मैया दौड़ करके कृष्ण को पकड़ लेती है। पूतना, आप लोगों ने पूतना की कथा सुनेंगे, 60,000 राक्षसों के बल वाली पूतना, जब कृष्ण ने उसका दूध पान करते समय उसके प्राण हरण कर लिए, 60,000 राक्षसों के बल वाली पूतना कृष्ण को अपने वक्ष स्थल से दूर नहीं कर सकी, सारा बल लगा के। किंतु यशोदा मैया जब कृष्ण को दूध पिलाती है और दूध चूल्हे पर भी उबलने लगता है, मैया एक हाथ से उठा करके बैठ कर कृष्ण को उठा करके बिठा देती है। वो कृष्ण 60,000 राक्षसों के बल वाली पूतना जिनको अपने वक्ष स्थल से दूर नहीं कर सकती, उनको यशोदा मैया एक हाथ से उठा करके बैठ कर उठा करके रख देती है। क्यों ऐसा है? कृष्ण वशीभूत है उनकी भक्ति के, वशीभूत होकर के सब कुछ बालकों के समान कर रहे हैं। मटकी तोड़ देते यशोदा मैया, शासन करती कृष्ण के ऊपर, मेरा ये पुत्र है इसको शासन नहीं करूंगी, ये बिगड़ जाएगा। कृष्ण जो कि कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जिस पृथ्वी पर हम बैठे इसमें 7-14 लोक हैं, एक लोक में हम बैठे हैं, ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि कृष्ण एक क्षण में करते हैं और एक क्षण में उनको नष्ट कर देते हैं। वो कृष्ण ब्रज में अपने पलंग से नीचे नहीं उतर पाते, चौखट को पार नहीं कर पाते, नंद बाबा की पादुका को अपने मस्तक पर ठीक से उठा नहीं पाते। बाबा आदेश देते नारा मेरी पादुका ले आ, कृष्ण उस पादुका को नहीं उठा पाते। तो आप विचार करो ये ब्रजवासियों की कैसी भक्ति होगी, जिसके वशीभूत होकर के वो अजर्मा भगवान जिसका दर्शन ब्रह्मा जी को नहीं मिलता, शिवजी जी को नहीं मिलता, बड़े बड़े लोकपाल दिक्पालों को नहीं मिलता। ब्रह्मा जी भी जब प्रार्थना करने जाते तो कहां जाते हैं? केवल शीर सागर के तट पर, दर्शन नहीं मिलता कृष्ण को, केवल जाकर प्रार्थना करते दया पानी सुनकर के आ जाते हैं। हाँ मैं अवतार लूंगा,
और ये राक्षसों का वध कर दूंगा, तुम लौट जाओ, दर्शन नहीं करता। वो कृष्ण ब्रज में रहकर के इतनी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, क्यों लीला कर रहे हैं ऐसी? यशोदा मैया के प्रेम के वशीभूत होकर, नंद बाबा के वात्सल्य रस के वशीभूत होकर। तो हमारे गुरु जी कहते थे, हम सुन रहे हैं कथा, हमारे अपने जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, हमको क्या इन सब लीलाओं को सुनने की, देखने की नहीं, हमको कृष्ण के साथ इन सब लीलाओं का आस्वादन करने की इच्छा होती है कभी हृदय में, कि कृष्ण हमारे साथ भी ऐसी लीला करे, कृष्ण हमारे साथ भी ऐसे लाड़ लड़ाए, कृष्ण हमारे साथ भी ऐसे खेल खेले, कभी हमारी इच्छा होती है? यदि हमारी इच्छा होती है तो हमारे गुरु जी कहते थे, एक स्त्री है जिसको संतान नहीं होती, उसको इच्छा है कि मेरी संतान हो जाए, किंतु उसको संतान होती नहीं। जब वो दूसरी स्त्री को देखती है कि उसके संतान है और वो अपनी संतान के साथ खूब स्नेह प्रीति करती है, इस बात को समझना, खूब स्नेह प्रीति करती है संतान के साथ, तो उस स्त्री को देख करके जिसको संतान नहीं उसके मन में क्या इच्छा होती है? यदि मेरी भी ऐसी संतान होती, मैं भी इसके साथ ऐसे लाड़ लड़ाती, मैं इसको ऐसे भोजन कराती, ये मेरे साथ ऐसे सब प्रकार के वात्सल्य रस का आस्वादन करता, आदान प्रदान होता, किंतु केवल देखने और सुनने और इच्छा करने से हो जाएगा? देखने सुनने और इच्छा करने से तो होगा नहीं, होगा तब जब अपने गर्भ से संतान को जन्म देगी। जब तक गर्भ से संतान को जन्म नहीं देगी तब तक उसके प्रति ऐसी ममता नहीं होगी। गर्भ से संतान को जन्म देने का क्या है? जब तक संबंध नहीं होगा, नहीं तो जिनको संतान नहीं होती क्या वो दूसरे की संतान को अपनी संतान के समान प्रेम कर सकते हो? आप कर सकते हो? दूसरे की संतान को अपनी संतान के समान प्रेम कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आपने अपनी संतान को गर्भ से जन्म दिया आपके साथ उसका संबंध हो गया, ऐसे ही हमारे गुरु जी कहते थे, जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं होगा तब तक हमारा भी भगवान के प्रति ऐसी ममता, भगवान की भी हमारे प्रति ऐसी ममता जागृत नहीं होगी। वो संबंध कैसे आएगा? वो संबंध गुरु देता है। जब तक हम गुरु के चरणों का आश्रय नहीं करेंगे तब तक हमको वो संबंध नहीं मिलेगा। जैसे हमने जब गुरु जी का चरणों का आश्रय किया तो गुरु जी ने हमको मंत्र दिया, हरिनाम की माला दी और दीक्षा मंत्र दिया। वो दीक्षा मंत्र में भगवान के साथ हमारा संबंध है। जब तक हम वो दीक्षा मंत्र ग्रहण नहीं करेंगे भगवान के साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ेगा। जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक ऐसी ममता भी जागृत नहीं होगी, तब तक ऐसा संबंध नहीं बनेगा। हम अपनी माँ को जितना प्यार करते हैं, मासी को उतना प्यार करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि माँ के साथ जैसा संबंध है वैसा मासी के साथ नहीं है। मासी माँ जैसी है किंतु माँ नहीं है। माँ जैसी होना और माँ होना, इन दोनों बातों में बड़ा अंतर है। इसलिए गुरु जी कहते थे, जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं होगा तब तक वैसी ममता जागृत भी नहीं होगी। इसीलिए ये जो गुरु मंत्र देते हैं, दीक्षा मंत्र, इसमें भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत आग्रह कर रहे हैं महाराज जी बार बार, बहुत वर्षों से यहाँ पर कथा हो रही, हमारे गुरु जी भी इस स्थान पर आए, हमारे इस गाँव में हमारे गुरु जी के भी चरण पड़े कई बार। ये तो गुरु जी की पदार्थ भूमि है, हमने इस समाज के गौरव की बातें सुन ली, किंतु केवल यदि सुन करके चले जाएंगे, जीवन में उसको ग्रहण नहीं करेंगे तब उसका कुछ विशेष फल नहीं मिलेगा। देखो मैं बड़ी सरल सी बात कहकर समाप्त कर दूं, फिर आप कृष्ण जन्म की बात सुन लेंगे। आपकी भाषा में मैं आपको एक बात बताता हूँ तो आपको अधिक समझ में आएगी। आजकल पूरे जगत में जब आप इसको गूगल करेंगे, देखेंगे, तो आपको एक चीज दिखाई देगी, बहुत सारे लोग मधुमेह रोग, सुना डायबिटीज, और रक्तचाप, उच्च रक्तचाप हिंदी भाषा में जिसको कहते हैं बीपी, शुगर और बीपी, समझ रहे हैं इस बात को मैं कह रहा हूँ? शुगर और बीपी से सारे लोग पीड़ित हैं, है कि नहीं है? जब आपको शुगर और बीपी हो जाएगा, भगवान ना करे हो, इनको जब हो जाएगा या जिनको हो गया है, जब वो डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? क्या कहता है डॉक्टर? आपको मीठा नहीं खाना। जिनको शुगर है उनको मीठा नहीं खाना, जिनको बीपी है उनको नमक नहीं खाना। अब हमारे भारतीय समाज में बिना मीठे के कोई त्योहार मनाया जाता है? हमारे तो घर में प्रतिदिन बिना मीठे के भोजन करने के बाद कुछ मीठा दे दो, होता है तो? किंतु जब शुगर हो गया डॉक्टर क्या कहेगा? आपको मीठा नहीं खाना, मीठा खाओगे तो आपके ऑर्गन फेल हो जाएंगे, आप मर जाओगे। तो बाध्य होकर के अनिच्छा पूर्वक मीठा खाना छोड़ देंगे। इच्छा तो है किंतु छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही जब बीपी हो गया तो क्या करेंगे? अब ये वाली बात आपको ज्यादा समझ में आएगी, जब बीपी हो गया, क्योंकि हो गए हो ना इसको, तो ज्यादा समझ में आएगी। जब बीपी हो गया तो डॉक्टर क्या कहेगा? नमक छोड़ दो, बिना नमक के भोजन किया जाता है, बस सटकना बाद रह जाता है, किंतु करते फिर भी, शरीर के रोग को दूर करने के लिए फिर भी कर रहे हैं। अनिच्छा है, पास में बैठा व्यक्ति मीठा खा रहा है, शादी ब्याह में जाएंगे पास में बैठा व्यक्ति सब कुछ खा रहा है, हमारे मन पर कैसी बीत रही है? हम नहीं खा सकते।
वो भी बड़ा मन मार करके उसने कह दिया हमको शुगर है, हम खा नहीं सकते, अपने नेत्रों से तो पूरी चेष्टा कर रहे हैं कुछ नेत्रों से आस्वादन करने की, कुछ जीभ पर नहीं दे सकते। तो शरीर के रोग को दूर करने के लिए इतनी चेष्टा कर रहे हैं, शरीर के रोग को दूर करने के लिए इतनी चेष्टा है, और यदि हम कोई ऐसा उपाय कर रहे हैं जिससे हमारा भवरोग दूर हो जाए, यदि हम कोई ऐसा उपाय कर ले जिससे हमारा भवरोग दूर हो जाए, वो भवरोग कैसे दूर होगा? शुद्ध सात्विक आहार। अभी यहाँ पर बातें होकर मजबूरी में छोड़ रहे हैं, किंतु जब हम कहेंगे कि आप लहसुन प्याज खाना छोड़ दो तो कहेंगे नहीं, लहसुन प्याज खाना नहीं छूट सकता, मांस मछली मदिरा पीना शराब पीना नहीं छूट सकता, बड़ा कठिन है, शादी बारात में जाना है, समाज निभाना है। उसी समाज को निभा रहे हो, जब शुगर बीपी हो गया तब वो समाज भी आपको एक्सेप्ट कर रहा है, इसको तो शुगर है बीपी है, इसको मत दो ये मर जाएगा, इसको मत दो मीठा, इसको शराब मत पिलाओ ये मर जाएगा, किंतु जब शुगर बीपी होने पर उस समाज उस चीज को समझ नहीं रहा है, किंतु जब इस भावरोग की दवाई लेने जाओगे, जब साधु संत आकर के कहेंगे लहसुन प्याज मत खाओ, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, तब क्या करेंगे? बड़ा कठिन है इसको छोड़ना, किंतु एक दिन ऐसा आएगा जब बातें होकर के डॉक्टर कहेगा इसको छोड़ दो, आप छोड़ोगे, छोड़ना पड़ेगा, किंतु बुद्धिमानी इसमें है कि शरीर के रोग के लिए इतनी चिंता कर रहे हो, आत्मा के रोग के लिए जो आत्मा का एक भाव रोग है उसके लिए थोड़ी सी भी चेष्टा कर ले तो हमारे सारे रोग जड़ से दूर हो जाएंगे। जब रोगी हो जाओगे डॉक्टर क्या कहेगा? प्रतिदिन 2 घंटे वॉक करो, व्यायाम करो, करोगे आप लोग पार्क में सुबह जा रहे हैं, आजकल इस समाज की महिलाएं भी इतनी जागरूक हो गई है कि 2 घंटे 1 घंटे वॉक करनी है हमको, तो जूते पहन करके पार्क में जाकर के वॉक करेंगी, आते जाते हमारे बहुत सारे लोगों को देखते सुबह सुबह वॉक कर रहे हैं, किंतु जब ब्रजमंडल परिक्रमा करने को गिरिराज जी की परिक्रमा करने को कहेंगे तब इच्छा नहीं होगी, हमारे घुटनों में दर्द है ना, प्रैक्टिकल बात तो हमारे घुटनों में दर्द है, किंतु यदि थोड़े से बुद्धिमान हो भक्ति को अपने भीतर में जोड़ो, ये वैदिक रीति है, ये वेदों ने हमको बताया, यदि इस वैदिक रीति का हम पालन करें तो ना तो शरीर का कोई रोग होगा ना कोई भाव रोग होगा। इसलिए हमारे गुरु जी एक समय जनकपुरी मठ में थे, मैंने पहले भी कभी कही होगी ये बात, गुरु जी की मसाज होती थी, थोड़ा डॉक्टर ने कहा था तेल लगाओ, तो गुरु जी को तेल लगाने के बाद गुरु जी बैठ जाया करते थे और कुछ कुछ भक्त लोग कुछ बात करते थे, प्रश्न उत्तर करते थे, समाचार देते थे। एक भक्त ने गुरु जी से कहा, प्राय सब लोग चले जाते थे, गुरु जी बैठते थे, हमको पास में रहते थे तो अकेले रह जाते थे, एक भक्त बैठे थे, उन्होंने गुरु जी से कहा, वृद्ध हो गए थे, तो गुरु जी से कहा मैं आपको उठा दूं, तो गुरु जी ने उत्तर दिया मैं तो उठ जाऊंगा तुमको उठाना है, मैं तो उठ जाऊंगा तुमको उठाना है। तो देखो ये साधारण सी बात है, किंतु इस साधारण बात में भी एक बड़ा गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है कि हमको उठना है, अपने स्तर को ऊपर करना है, इन जाति की जो बाधाएं हैं, ये समाज की जो बाधाएं, ठीक है हम समाज में रहते हैं, समाज का नियम पालन करना, समाज का सब कुछ देख रेख करना शास्त्र का विधान है, गृहस्थ है समाज का पालन करना पड़ेगा, किंतु समाज जब किसी अच्छी चीज को करने से हमको रोके तो हमारे गुरु जी कहते थे उस समय हमको प्रहलाद महाराज जी का आदर्श पालन करना पड़ेगा, उनके पिता ने उनको भक्ति करने से रोका, प्रहलाद महाराज जी ने सुनी, मीरा जी के सारे जाति वर्गों ने उनके पति ने उनको भक्ति करने से रोका, उन्होंने सुना क्योंकि वो अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, वो अपने जीवन को जीवन में कुछ अच्छा लेकर के आ रहे हैं, तो इसलिए जब हम अच्छी चीज करने जाएंगे और समाज उसमें बाधा देगा तब हमको समाज की बात में सुनने में बड़ी खरी खरी बात कह रहा हूँ, किंतु क्योंकि हम ये सब कुछ पालन करके आए हैं और अपना अनुभव बता रहा हूँ, आज जीवन में हम देख रहे हैं लगभग 19 वर्ष हो गए, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया, कैसी मानसिक शांति है, कैसे चित्त को संतुष्टि है। इसलिए जो ये साधारण सी चीज है, बहुत सारे लोग कहते हैं विवाह नहीं करने पर संसार कैसे चलेगा, अच्छा यदि तुम विवाह कर लोगे तो तुम ऐसा क्या बड़ा काम कर दोगे जो इस समाज को, इस तुमने ऐसा क्या अवदान दे दिया, विवाह करके संतान उत्पन्न कर दी तो ऐसा क्या अवदान दे दिया तुमने समाज को, क्या उन्नति कर दी तुमने समाज की। तो ये बातें एक स्तर तक ठीक है, समाज है, समाज का पालन करना, समाज में रहते हो शास्त्रों में भी उद्देश्य है उसका पालन करो, किंतु जब कृष्ण भक्ति करने की बात आएगी, जब आप ये बच्ची बता रही थी ना मरते हुए, जब वो मरते हुए जाओगे ना समाज कहाँ तक साथ निभाएगा, स्त्री जाएगी घर के द्वार तक, जाति वर्ग जाएंगे शमशान तक, छोड़ करके वापस आ जाएंगे, और इसके आगे समाज जाएगा, इसके आगे आपके माता पिता भाई बहन बंधु जाएंगे, उस यात्रा को आपको अकेले करना है, तो जिस यात्रा को हमको अकेले करना है उसके लिए हमको सबसे अधिक सचेत रहना चाहिए, जिस यात्रा को हमको अकेले करना है इसलिए समाज निभाइए, सारी चीजें कीजिए, किंतु अपने जीवन में इस कृष्ण भक्ति को जोड़ लीजिए। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इससे अच्छा मार्ग, इससे अच्छा जीवन और कुछ नहीं हो सकता। हमारे महाराज जी हमारे बीच में है, जैसा कि अभी बता रहे थे, आप लोग भगवान की हरिनाम की माला लीजिए, दीक्षा मंत्र ग्रहण कीजिए, अपने जीवन में पवित्र चीजों को लाइए, पवित्र चीजों को बाहर कर दीजिए। गौर प्रेमानंदे हरिनाम।
प्रभु जी को बोलो रोज रोज आकर कुछ पता होना पिता क्या आपका पूजा है कुछ जानते भी नहीं क्या आपकी घड़ी के है आपकी घड़ी के वास्तव रोज बोलो थोड़ी आकर के हमें क्या की बात थोड़ी रोज बता कर भी जाओ ठीक है ना कुछ बोलती रहे प्रभु जी आज हिम्मत रहो दो प्रभु को बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे हरे कृष्णा हरि बोल देखो आज भगवान कृष्ण जन्म अभी ग्रहण करने वाले लेकिन आज प्रभु की जन्म उत्सव उपलक्ष्य में कुछ कुछ भक्त लोगों ने कुछ कुछ वस्तु लिए आज श्री प्राण गोपाल दास यहाँ पर प्रभु जी आए आपके लिए सबके लिए खीर का उन्होंने व्यवस्था किया सब भक्तों का आज कृष्ण जन्म में ना इतने ताली बजा आज उन्होंने अपना बच्चे को भगवान भी बनाकर मिलाए अंतर सिंह जी प्रभु जी कौन है अंतर सिंह जी बोल गया चर्चा सुनते सविता भक्ति महेंद्र जी चाचा जी महेंद्र और श्री भगवती चाची इसलिए आज इन लोगों ने सब मिल करके भगवान के प्रसाद के लिए व्यवस्था किया है हम लोग इनके लिए जोरदार ताली बजाओ और ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी इनको शांति और सुख दे और बाद में आपको बुला करके एक एक फटो आपको बुलाए ठीक है इसको रख दो कहाँ है वो प्रभु जी को यहाँ पर कोई है प्रभु जी बाद में कथा के बाद में एक दो फटो ले जाना ठाकुर जी ठीक है हरे कृष्ण देखो कल श्री राधारानी जन्म ग्रहण करेंगे हम सोच रहे थे कल गिरिराज की पूजा करें लेकिन कल श्री एकादशी व्रत है इसलिए गिरिराज के लिए कोई कढ़ी बनाने के लाएगी कोई चावल लाओगे कोई सूजी लाओ हलवा लाओगे इसलिए कठिन है इसलिए हम परसों गिरिराज पूजा कृष्ण रुक्मिणी विवाह भगवान की राशि तथा सुदामा चैतन्य परसों कर रहे हैं और कल से राधारण की जन्म उत्सव भगवान की मक्खन चोरी और प्रभु का धाम बंधन मिला ये सब कथा हम कल सुनेंगे और देखो कल एक विशेष तिथि है जानते हो कल कौन सा तिथि है कल श्री एकादशी क्या अगर भागवत कथा को बीच में एकादशी व्रत आ जाए ना समझो उसमें चार चार लग गए क्योंकि ये भागवत में कोई सोमवार का व्रत नहीं मंगलवार का व्रत नहीं शनिवार का व्रत नहीं कोई व्रत इसमें है ही नहीं ये सारे ग्रंथ लिखे किसने व्यास ग्रंथ लेकिन ये भागवत ग्रंथ लिखने से पहले उन्होंने सारे ग्रंथ को लिखे लेकिन उनको शांति नहीं थी लेकिन शांति कब मिली जब उन्होंने ये श्रीमद भागवत ग्रंथ रचना इसलिए भागवत ग्रंथ में ये एकादशी की कथा थी लेकिन कुछ कुछ लोगों का धारणा अरे एकादशी का विधवाएं करती है सतवा थोड़ी एकादशी करती नहीं इसलिए हमारे श्री गोपाल चौक में बताए श्री नंद बाबा उनने सारी व्रत उन्होंने किया था घर में एक बालक भी जन्म हो जाए लेकिन घर में संतान नहीं हुई एक दिन नंद जसोदा विचार कर रहे थे हमने तो सारे व्रत रखा है लेकिन अभी तक हमने श्री एकादशी व्रत नहीं रखे इसलिए एकादशी व्रत को बताए ध्यान देकर सुना एकादशी व्रत को बताया कल्पतरु व्रत है कल्पतरु मतलब जो मांगोगे 15 दिन में एक एकादशी आती है 15 दिन में कभी आप एकादशी व्रत को पढ़ो इसलिए एक एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी जिसको नंद यशोदा ने एकादशी व्रत की तो जिसमें उनकी कृष्ण पुत्र जन्म प्राप्त किया है एक एकादशी का नाम मोक्षदा जिसको करने से जन्म मृत्यु का चक्कर से मुक्ति प्राप्त करता है एक एकादशी का नाम विजया जिसको करने से जीवन में विजय प्राप्त होता है
एक एकादशी का नाम अन्न था, जिसको करने से घर में खूब अन्न सज जाता है। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, जो एकादशी पर होना माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। एक एकादशी का नाम पाप मोचन, क्या नाम है? आज मैं कथा सुना गया था घर में, ये कथा सुना रहा ध्यान देकर सुना। बोले एक समय स्वर्ग में जहाँ पर सुधर्मा सभा में सारे देवता लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर दो गंधर्व और गंधर्वनी वहाँ पर गाना और वहाँ पर नृत्य दिखा रहे थे। लेकिन वो दोनों के प्रति बड़े आसक्त थे और दोनों बड़े सुंदर थे। स्वर्ग में अप्सरा अप्सरी थे, गंधर्व गंधर्वनी। अभी जब वो नृत्य विद्या दिखा रहे थे, लेकिन ये दोनों के प्रति इतने आसक्त थे, लेकिन उन्होंने भूल गए यहाँ पर हम इनको गाना और नृत्य दिखाने के लिए आए, और दोनों के प्रति पागल होकर ना एक दूसरे को प्रति देख रहे थे। इतने में इंद्र को बड़ा क्रोध आया, बोले दुष्ट, तुमने यहाँ पर गाना और यह नृत्य करने के लिए आए और तुम दोनों भूल गए किस लिए आए और दोनों को पागल होकर देख रहे थे। तुम दोनों को मैं अभिशाप देता हूँ, तुम दोनों पिशाच जन्म में जाओ। अभी ये दोनों पिशाच जन्म में आ गए, ये पिशाच जन्म बड़ा दुख करते जीवन है। जब तक किसी को ऊपर किसकी ऊपर में सवार होकर के ये खून नहीं पीते हैं, उनको चैन नहीं बढ़ती, उनको खून पीना ही पड़ेगा। अभी बड़े दिनों तक बड़े कष्ट से जीवन बिताया। एक दिन दोनों सोच रहे हैं, क्या हम जिंदगी भर ये पिशाच जन्म में पड़ रहेंगे, हमें क्या मुक्ति नहीं मिलेगी। एक दिन उन लोगों ने कथा सुनी एकादशी की, बोले एकादशी की इतने महिमा है, बड़े से बड़े पाप भी एकादशी व्रत से खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब तक वो खून नहीं पिए रहा नहीं जाता, रात को पीना ही है। लेकिन ये दोनों ने बड़े कष्ट करते हुए एकदम निरंकुश निर्जला एकादशी दोनों किया। एकादशी व्रत रखते ही दूसरे दिन ये पिशाच जन्म से मुक्ति दी, मुक्ति मिलकर के दोनों फिर गंधर्व गंधर्वनी होकर स्वर्ग में पहुंचे। इंद्र को तो आश्चर्य लगा, बोले मेरे अभिशाप से तुमने पिशाच बने थे, ऐसे जगत में कौन सा पुण्य कर्म की जो कि पुनः स्वर्ग में गंधर्व गंधर्वनी बने करके आए हो, क्या तुमको ये कौन सा व्रत तुम्हें मुक्ति दिलाया। बोले हम दोनों ने ये एकादशी व्रत रखा, इसी एकादशी व्रत से ही हमें मुक्ति मिली। आप देखना, आप तो भारतीय है, कोई अंतिम सज्जा में कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, साल साल तक पड़े हुए, उनको मृत्यु नहीं हो रही है, बड़े कष्ट उठा रहे हैं। किसी ब्राह्मण को बुलाओ, बोले भैया इनकी जल्दी जल्दी मुक्ति कैसे होगा, क्या बोलेगा, कौन सा व्रत के लिए बोलेगा। बोले कोई एकादशी व्रत करके इसका फल दे सकते हो, और कोई व्रत नहीं बोलेगा, इतने शक्ति है। एक समय वृंदावन में हमारे जो गुरु जी थे, एक गैया को एक्सीडेंट हो गया हमारे ट्रक में, उसकी हड्डी टूट गई, रास्ते में पड़ी, चटपट कर रहे थे। कोई एक अमेरिका के कोई हमारे गुरु जी की शिष्या थी, उसने गैया की दूध दे करके गुरु जी के पास में आए। बोले गुरु जी एक गैया को ट्रक में एक्सीडेंट हो गई, बड़ी कष्ट उठा रही है, देखा नहीं जा रही, चटपट कर रही है। गुरु जी ने कहा एक काम करो, जाओ उसको कान में बोल दो एक एकादशी व्रत हम तुम्हें। उसने बोलते ही दिया प्राण छोड़ दिए। मैं यूरोप गया था विदेश, एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, पानी जैसे उनका पैसा खर्चा हो रही थी, शरीर में केवल पतला दुबला पतला हड्डी हड्डी था, किसी तरह से मृत्यु नहीं हो रहा है 2 साल से। जब मैं यूरोप में गया उनको पता चला भारत से कोई संत आए, तब हमें लेकर के हॉस्पिटल में गए, उनको पास बोले बाबा इनकी जल्दी से मुक्ति कैसे मिलेगी, बड़ा कष्ट उठा रहे, आप इस उपाय बताओ। मैंने कहा एक काम करो, पूरा परिवार मिल करके इनको एकादशी व्रत करके फल दो। बोले अभी 10 दिन बाकी है, लेकिन इनकी कष्ट नहीं देखा जा रहा है। मैंने बोला एक काम करो, यहाँ पर संकल्प करो, सबको हाथ में पानी दिया, फूल दिया। बोले संकल्प करो हम सब परिवार मिल करके एकादशी व्रत करके इनको हम फल देंगे। संकल्प कर दे, थोड़ी देर बाद शरीर छूट गई। ये नोएडा में भी ऐसे बहुत सारी जगह में एकादशी जैसे इतने पुण्य तिथि और कुछ नहीं, और एकादशी व्रत को माधव तिथि बताया, कहते भक्ति की जननी है,
एकादशी का द्वारा ही प्रभु को भक्ति प्रेम मिलती है और प्रेम को द्वारा ही भगवत प्राप्ति है। इसलिए अगर भागवत कथा में अगर एकादशी व्रत आ गई ना, क्योंकि भागवत में और कोई व्रत का नाम ही नहीं है, जिसको अम्बरीश महाराज मथुरा में आकर के पत्नी को साथ में जो एकादशी व्रत करते थे, इसलिए कथा को बीच में एकादशी व्रत आना बहुत भाग्य की बात है। इसलिए समझो भागवत कथा कथा महिमा है ही है, लेकिन जब एकादशी व्रत आ गई समझो उसमें चार चांद लग गई। एकादशी व्रत की कल एकादशी व्रत है, कल सबको एकादशी व्रत रखने का, लेकिन हमारे भारत में फिर बोले भैया इसको फिर उद्यापना करना पड़ता है। कल नहीं, ये वैष्णव लोग कभी उद्यापना नहीं करते हैं, जब तक समर्थ है तब तक एकादशी व्रत रखो। 8 साल से लेकर 80 साल तक एकादशी रखनी चाहिए, जब तक समर्थ रखो। जब समर्थ नहीं अगर छोड़ दोगे उसमें कोई पाप नहीं, प्रभु के प्रेम में कोई पाप नहीं है। इसलिए जब तक समर्थ है करो, नहीं समर्थ लेकिन कोशिश करना एकादशी व्रत रखने के लिए। उसमें 5 तरह का उसमें रबी सस्य नहीं लेनी चाहिए। पहला नंबर गेहूं, उसमें गेहूं में जो कुछ बनता है, और चावल, जौ, जितने तरह का दाल और सरसों, ये 5 रबी सस्य नहीं लेनी चाहिए। देखो जैसे सोम अगर नहीं करोगे ना तुमको पाप नहीं लगेगी, कोई पाप नहीं लगेगी, लेकिन अगर एकादशी व्रत नहीं करोगे तो पाप लगेगी। क्यों? अन्न में ये सारे पाप का निवास है अन्न में। इसलिए जो व्यक्ति एकादशी का दिन ये अन्न भोजन करेगा, तथा 5 सबसे बड़ा पाप बताया। पहला नंबर भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या जानते कि नहीं, पेट में बच्चे रहते हुए मारना। दूसरा है ब्राह्मण हत्या, ब्राह्मण को मारना। तीसरा है गौ हत्या, चौथा है पिता हत्या, और पंचमा माता हत्या। ये जितने तरह का पाप एकादशी का दिन अन्न में निवास करता है, इसलिए जो व्यक्ति एकादशी का दिन अन्न भोजन करेगा उसको ये सारे पाप लगेगा। इसलिए एकादशी का दिन अन्न खानी नहीं चाहिए और जिसको देनी भी नहीं चाहिए। खाना जितना पाप, देना भी उतना पाप है। इसलिए कोशिश करना, देखो अगर कोई बीमारी है बोले नहीं हम रह नहीं सकते, बार बार खाना पड़ता, कोई बात नहीं, खाओ 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, 4-5 बार जो खाओ जो बीमारी, लेकिन एकादशी का दिन अन्न भोजन मत किया करो। कोशिश करना जैसे 12 बजे तक अगर उपवास रह सकते हो, अगर 3 में 1 बार खा सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 बार भी खाओ लेकिन 12 बजे तक खाना नहीं, उसको बाद में जैसे देखो हमारी जो मंत्री में ना संत लोग कहते भैया कब एकादशी व्रत आए, क्यों बोले रोज कोई दाल भात चावल खा रहे, लेकिन एकादशी का दिन हमारे घर में बड़े सुंदर कभी फ्रूट क्रीम बना देते हैं, कभी पनीर का है, कभी आलू में सब्जी में पनीर सब्जी बना देते हैं, कभी सुंदर पकौड़ा कुकर का पकौड़ा और मखाना का खीर है, फिर उसी दिन मूंगफली मखाना उसने इतने बढ़िया बढ़िया खाना बनता है ना, और कभी आलू में कुट्टू आटा को देकर बढ़िया पूरी आलू की तरह आलू सब्जी खाना है ना, कितने सारे खाने के लिए, लेकिन केवल अन्न भोजन मत करो। और 2 बार 3 बार 4 बार भी खाओ कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो एकादशी व्रत रखने के लिए। लेकिन अगर 12 बजे तक कोशिश करो नहीं खाने के लिए, उसको बाद में फिर भगवान को भोग लगा कर व्रत का चिंता हो, ठीक है। कल मैं बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा सुनाऊंगा एकादशी की, जितने महिमा बसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो कल एकादशी है, कुछ लोगों ने पहले हरिनाम लिए, कुछ लोगों ने पहले हरिनाम लिए, नियम है उसको बाद में गोपाल मंत्र लेनी चाहिए, क्योंकि उसी मंत्र से भगवान को भोग लगती है उसी मंत्र से, इसलिए गोपाल मंत्र लेनी चाहिए। जो लोगों ने पहले हरिनाम लिए हो कल अगर आप आओगे आप गोपाल मंत्र ले सकते हो, और जिसकी इच्छा होगी हम हरिनाम लेंगे, हरिनाम करेंगे, बच्चों को ऊपर में भी संस्कार डालेंगे, बच्चे भी आगे भक्ति करें भजन करें। आप लोग कल आ सकते हो, हम श्री विनोद जी के घर में रुकते हैं सवेरे 7-8-9 बजे। बोले श्री भगवान का मन देव अभी भगवान बामन फिर करने आएंगे। हरे कृष्णा, उन्होंने केक भी लाए, केक कटवाए, कृष्ण जन्म में कटवाए, ठीक है।
केक पे रखो, जब कृष्णा जन्म लेंगे तब केक काटेंगे। हाँ देखो अभी भगवत और गले में धारण कर लिया, इसलिए शंकर जी का एक नाम हो गया दीपक। बस ये दीपक महादेव की जय। देखो शंकर जी एक अच्छी शिक्षा देते हैं। देखो कोई भी गंदी चीज जो है ना मुंह में बंद रखा करो, कोई भी गंदी चीज अपना दिल में रखा बंद रखा करो। कहाँ रखो? बोले कंठ में रखो। कहाँ रखो? कंठ में। अगर कोई गंदी चीज को मुंह में रखोगे ना घर में लड़ाई झगड़ा होगा। देखो हमारे गुरु जी कहते थे, हमारे गुरु जी कहा करते थे, लड़ाई करके महाभारत रामायण क्यों हुआ? बल्ली जीवा की वजह से। गुरु जी कहते थे हर चीज में हड्डी है, फिर अंगुली में हड्डी सीधा हो गई, हाथ में हड्डी सीधा हो गई, कमर में हड्डी बैठे है बैठे हुए, बताओ तो हड्डी किसमें नहीं है? जीव। किसमें नहीं है? जीव। हाँ सब पंडित बैठे हैं, इसलिए देखना ये जीव हर से लपर लपर जब कथा में बैठे होते हैं, देखना कथा में तभी लपर लपर बैठा हुए हैं। ये जीवा बिना बोले जाएगा नहीं। ये महाभारत क्यों हुई? ये द्रौपदी ने केवल इतनी सी दुर्योधन को बोल दिया, अंधा का बेटा अंधा होता है, और पूरा महाभारत हो गया। बोले रामायण क्यों हुई? सीता ने थोड़ी सी अपशब्द लक्ष्मण को बोल दी, बोले अभी मैं समझ गई तुम क्यों आया था, तो ये सोच रहे हो राम मरिया तो मेरे शादी करोगे। इतने में लक्ष्मण चला गया, लक्ष्मण रेखा काट गए। देखो जरा सुना, माताओं को दो चीज शिक्षा दिया है, पहला नंबर तो ये जुहा मत चलाना। देखना घर घर में बहु बहु में क्यों लड़ाई, ये भाई भाई में क्यों लड़ाई, केवल जीवा थोड़ा सीट हो गया, जीवा से थोड़ी कड़ुई बच्चे में निकल गई। देखना भाई भाई बहन बहन में घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है, इसलिए खबरदार। इसलिए महाप्रभु कहते ना ज्यादा बोलने की इच्छा है ना, माला लेकर रोज रोज एक एक लाख हरिनाम करो। इसलिए बैठी करेंगे उसने ऐसे किया उसने ऐसे किया, करोगे तो फिर तुम्हारे घर महाभारत रामायण हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज की शिक्षा दी, जैसे माता सीता लक्ष्मण रेखा को पार की। देखो जितने यंग स्टार जितने लड़कियां लड़का है, तो देखो हमें कभी अपना मर्यादा को पार नहीं करनी चाहिए, फिर हमें रावण उठा कर ले जाएगा। कौन उठा कर ले जाएगा? हमें रावण उठा करके ले जाएगा लड़का भी। इसलिए कभी अपना मर्यादा को कभी पार हमें नहीं करनी चाहिए। अभी समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी ने नारायण की गला में माला डाल दी, श्री लक्ष्मी नारायण की मंथन हुई तो अमृत निकली, अमृत निकलते तो हमें लड़ाई शुरू हो गई। इतने में दैत्य लोगों को छीन लिया, ठाकुर जी ने देखा अगर दैत्य अमृत पिएंगे फिर अमर बन जाएंगे, अमर बन जाएंगे तो दुनिया के लिए हानिकारक। इतने में श्री भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं, बोले तुम दोनों को हम बंटवारा कर देंगे, बोले देवताओं को तो पानी पानी पिला देंगे, तुमको गाना गाना सुनाएंगे, दोनों बैठ करके जब अमृत पिला रहे थे, इतने में सौरभ नाम को दैत्य धोखे दे करके उसने अमृत भी भगवान सुदर्शन चक्र को बुलाया और उसको गला काट दिया। देखो इधर सुना माताएं कहते भैया ये प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते? आप लोगों ने 9 दिन तक नवरात्रि व्रत रखे हो, कौन कौन नवरात्रि रखे थे? आप लोग 9 दिन तक प्याज लहसुन नहीं खा रहे थे? बोले क्यों नहीं खा रहे थे? उसका कारण किया, जब उन्होंने सुदर्शन चक्र से दैत्य की उन्होंने गला काटे, जहां पर उसका मांस गिरा वहीं पर हुई किया। इसलिए देखना जैसे लाल लाल मांस होता है ना, प्याज में लाल लाल मांस सड़ जाए जैसे बदबू, प्याज में भी बदबू आती है। अब कच्चा प्याज का किससे बात नहीं कर सकते हो, यहाँ प्याज का तो पूरा पता चलेगा कहीं प्याज, यहाँ पर आस पास में प्याज कट रही है, जहाँ पर उनकी हड्डी गिर पड़ा वहीं पर लहसुन हुई, जहाँ पर खून का बूंद गिरा वहीं पर मसूर दाल हुआ। इसलिए ये चीज को हमारे कोई हिंदू ध्यान देकर सुना, पहले कोई हिंदू ये प्याज लहसुन नहीं खाते थे, घर में पूजा होती थी, मांस मछली अंडा नहीं खाते, उसको कौन लाए? ये मोगल ने लाए। कौन लाए? कौन लाए सब चीज को? मुसलमान लोग ये लाए और हमें सब मुसलमान बना दिया, प्याज लहसुन खिला करके मांस मछली अंडा खिला करके सब मुसलमान बना दिया। इसलिए ये चीज हिंदू घर में कोई नहीं खाया खाते थे, ठाकुर को भोग लगा कर सब खाना खाते थे, इसलिए प्याज लहसुन को त्याग देना। क्यों? जब माँ के लिए 9 दिन तक पालन करते क्यों? माता जी नाराज हो जाएगी, क्या मैया को 9 दिन तक खुश रखो फिर खा करके फिर नाराज कर दो?
इसलिए जो चीज माता को पसंद नहीं वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए अभी उन्होंने मोहिनी ने उन्होंने अमृत मिला के अंदर ध्यान हो गई, फिर देवता दैत्य में लड़ाई शुरू। देवता तो अमृत पी चुके थे, एक तरफ से उनको काटना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने देखा लगता है दैत्य वंश समाप्त हो जाएगी, बीच में आकर उनको रोक दिया। फिर उनको गुरु जी सारे चेलों को जिंदा कर दी। फिर जो दैत्यों का राजा बलि ने विश्वजीत नाम का यज्ञ किया, यज्ञ से एक रथ निकली, उसी रथ में बैठ कर कोई युद्ध कर उसको कोई परास्त नहीं कर सकते हैं। फिर श्री प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव का प्रसाद माला पहनाया, उन्होंने ब्राह्मण की सेवा करके फिर दैत्यों पर आक्रमण किया। स्वर्ग में देवता के ऊपर में उनको गुरु बृहस्पति बोले भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो सबके सब मारा जाओगे। क्यों? उसने यज्ञ करके उन्होंने जो रथ में बैठी है क्या उसको परास्त नहीं कर सकते हैं, और नरसिंह देव का प्रसाद माला पहना और ब्राह्मण की सेवा की। सारे देवता भाग के स्वर्ग छोड़ कर गए और बलि इंद्र राज्य को उन्होंने दखल कर लिया। अभी देवता को माता अतिथि बड़ी दुखी होकर के कश्यप जी के पास में गए, बोले बताओ मेरे बेटे को स्वर्ग कैसे मिलेगा। बोले एक पयोव्रत है, आप ये पयोव्रत करो भगवान स्वयं श्री वामन बन करके आएंगे। फिर भगवान श्री वामन रूप में आए, बोले श्री वामन भगवान नियम है उपनयन संस्कार करवाए बृहस्पति, उपनयन संस्कार के बाद में गुरु जी को दक्षिणा देनी चाहिए। बोले बताओ क्या दक्षिणा। बोले मेरे को छोटे बच्चे बोले तू तो यहाँ सुहास सुहास में लगे हो अमृत से वंचित कर दिया, वो मोहिनी अभी मोहन बन करके आया। देखो ये तीन पग जमीन मांगेगा त्रिभुवन ले जाएगा, खबरदार दान देना नहीं। बलि महाराज ग्रहण करने पर भी वो मंत्र निष्फल हो जाएगा, क्यों? उसका कोई सुख है इसका परंपरा नहीं। दूसरे स्थान में अगर गुरुजी पतन हो गए, किसी असत संग में अगर गुरुजी भ्रष्ट हो गए गिर गए, तो फिर गुरुजी को त्याग करने में हमारा कोई दोष नहीं है। इसलिए उन्होंने गुरुजी को उन्होंने त्याग किया। माँ के बारे में तेज कर सकते हो माई इसे तभी हम त्याग दे सकते, इसने ने उन्होंने त्याग दिए भगवान। फिर जब वो संकल्प करने जा रहे थे, फिर उन्होंने कमंडल में जो नाल में बैठ गया, फिर एक उससे छेद किया तो उस पर एक आधी चली गई। देखो यहाँ सीधा देते हैं ध्यान देकर सुनो, अगर कोई अच्छे काम कर रहे हैं, कोई बढ़िया काम कर रहे हैं, भैया कभी उसमें टांग अड़ाया मत करो। टांग अड़ाओगे ना कोई भक्ति राज्य में, फिर तो ताना बनना पड़ेगा, तुम्हें अंधा बनना पड़ेगा। इसलिए कभी भी कोई अच्छे काम में जितना हो सके मदद करो। अगर दूसरे में अगर कोई भलाई नहीं कर सकते हो ना, कभी किसकी बुराई भी मत करो। उसकी एक आंख ही चली गई, फिर तो वहां से भग गया भगवान। एक पद में भूर भूर मोह जनकर सत्य लोक का नाम लिया। जब प्रभु का चरण सत्यलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी अभिषेक करके उसका पानी अपना कमंडल में रखे, वही पतित पावन श्री गंगा देवी बनी। श्री गंगा देवी की दूसरे पद में अतल विकल तलातल पाताल तक उन्होंने मान लिया। तो बताओ तीसरे पद कहां पर रखे? प्राणी याद रहा था उन्होंने बंधन में बांध दिया, लेकिन उनका जो पत्नी थी ना बड़ी अच्छी थी। देखो पत्नी दो तरह के है, कितने तरह का? कितने तरह का पत्नी? एक तो धर्म पत्नी और एक धन पत्नी। एक धर्म पत्नी और एक धन पत्नी। धन पत्नी मतलब जब तक रुपया पैसा रहेगा पति के पास में रहेंगे, नहीं तो बंद है। और एक पत्नी होती है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी मतलब क्या है? पति की हर समय में पति को साथ में धर्म में मदद करनी चाहिए। उनकी जो पत्नी थी बोले तुमने भगवान को क्या दिया? दुनिया ठाकुर जी की, ठाकुर अपना राज्य को ले गए,
जब तक खुद को भूल नहीं देते हो, ठाकुर जी के चरण में शरणागत नहीं हो, तो बिना क्या बिना सर पर रखे पत्नी ऐसे होनी चाहिए, प्रसन्न हो गई। बोले ये बताओ दान बड़ा ना दानी बड़ा, बोले दानी बड़ा, बोले आप तो बोले दानी भी है, दानी स्वयं पाकी। बोले बताओ कहाँ पर चरण रखे, बोले मेरे सर को ऊपर रखो। जब सर को ऊपर रखे देवता लोग बोले देखो कितने सौभाग्यवान जिन चरण को पाने के लिए यद्यपि समाधि सुविधिर पश्यति न तब न घाघर मरीचि। जिनकी चरण की छटा को ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी ध्यान करते हुए दर्शन नहीं पाते हैं, आज ये दुर्लभ चरण श्री बलि महाराज सर को पर रखते हैं, सारे देवता प्रसन्न होकर के पुष्प की बौछार की और बलि महाराज की जयकार की। श्री बलि महाराज की, श्री रामायण भगवान की, भगवान बोले परमा को बोले प्रभु उनको शुक्ल लोक में स्थान दिए। बोले प्रभु जब मैं घर से जाऊं आपका दर्शन करते हुए जाऊं, जब घर में प्रवेश करूं आपका दर्शन करते हुए प्रवेश करूं। भगवान को मैंने इतने भक्ति के वशीभूत कर लिए, भगवान जी के दरवाजा पर ठाकुर जी की निवास हो गए, ठाकुर जी की ठाकुर दरवाजा पर बैठे हुए लोग जाते हैं आते हैं ठाकुर का दर्शन मिलता है। अभी भगवान वामन देव आएंगे, इसके बाद में कृष्णा जी आने वाले हैं। देखो अभी ठाकुर जी वामन देव ले आता हूँ, अभी भगवान वामन देव आप लोगों के पास में भिक्षा लेने के लिए जाएंगे। देखो ठाकुर जी को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है, जैसे सुदामा ने 2 फुट चिड़वा दिया ना, ठाकुर त्रिभुवन का राज्य दे दिया, भगवान के जीवन भर हमें खिलाते हैं। अगर ठाकुर जी आपको पास में जाएंगे थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी को भिक्षा देना। देखो उसको कहाँ ले जा रहे हो, अरे उसको इधर ले आओ ना, पीछे क्यों ले जा रहे हो, सामने ले आओ। बोले श्री रामायण भगवान प्रभु जी के भजन गाएंगे हम लोग, पीछे पीछे भजन बताए
नहीं आ रही। बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सुजयो राज्ञा चोभय परमाभूतो। आज तो कृष्ण जन्म लगे, कल से राधा रानी जन्म लेंगे। आज आप लोग पीले पीले रंग के कपड़ा पहन के आए हो, कल सबके कौन सा रंग के कपड़े पहन के आओ? गुलाबी। गुलाबी रंग के, ठीक है ना? कौन सा रंग की? गुलाबी रंग के साड़ी पहन के चला है, श्री राधा रानी का जन्म हुई है। अभी भगवान कृष्ण आएंगे, बोले भगवान कृष्ण की जो कथा बड़ा मीठी बड़ी प्यारी कथा है। कन्या तरुणी ठाकुर की कथा में उन्होंने लिखा, कहते जो आत्मा में जो रमण करते हैं, भगवान को पीछे से इधर से आस्था कर दो और सबका आपका खाता फोन दे दो। जब ठाकुर जी आएंगे ठाकुर को स्वागत करना, तो सबका खाता फोन दे दो। भगवान जब आएंगे ठाकुर जी को करने उसको भी बहुत ध्यान रखना, ठीक है? बस कृष्ण कन्हैया लाल की। पर भगवान की कथा बड़ी मीठी है। कहते जो आत्मा में रमण करते हैं बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, जब भगवान की कथा सुनते हैं वो भी अपना ज्ञान ध्यान वह छोड़ करके वो भी भगवान की भक्ति में रम जाती है। कहते तीन गंगा है, एक स्वर्ग में जिसका नाम मंदाकिनी, वो स्वर्ग लोगों की तैयार करती है। ये मर्त्य जगत में उसका नाम भागीरथी, ये मर्त्य जगत को तैयार करती है। और एक पाताल में गंगा जिसका नाम भोगवती। जैसे ये तीन गंगा तीन लोगों को पवित्र करती है, कृष्ण कथा भी तीन लोगों को पवित्र करती है। बोले किसको किसको? बोले सुनने वाले, बोलने वाले और पूछने वाले, ये तीनों को कृष्ण कथा पवित्र करती है। जिस समय कंस ने बड़ा अत्याचार की, ये पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई और दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में, फिर शंकर जी के पास में, फिर इंद्र के पास में, सारे देवता तीन समुद्रों में जाकर के भगवान को स्तुति की। भगवान ने आकाशवाणी की, तुम लोगों का दुख दर्द मैंने समझ लिया, ये देवताओं तुम लोग जदुवंश में जन्म ग्रहण करो। हे देविया तुम सबके सब गोपी बन करके जन्म ग्रहण करो, मैं जन्म से जल्दी मैं आ रहा हूँ। अभी श्री कंस ने अपना पेट को वसुदेव महाराज के साथ में शादी की और बहुत बहुत दही के रूप में थी। जब विदाई कर रही थी बीच में आकाश राखी हुई, बोले रे पूरा कंस जिस देवगी को तू इतने आनंद पूर्वक विदाई कर रहे हो, इसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल निकला। कंस ने देखा न रहेगा बांस और न बचेगा सुई, तलवार के काल में जब मारने जा रहा था, वसुदेव महाराज ने कहा देखो अपना बेटी को मारने की घटना भी तुम मन करोगे, इसको इसको छोड़ दो तभी मारना चाहता। बोले देख तेरे को पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। बोले हाँ। बोले मैं सारे बच्चे तेरे को देखूंगा, लेकिन अपना बहनी को मत मारा करो। उसने छोड़ दिए। पहला बेटा जब हुआ उसने कंस को दे दिया, कंस का हृदय तो द्रवीभूत हो गया। अपना बच्चे को काल को हाथ में, बोले इसको तू ले जा। इतने में नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो गई, क्यों? भगवान तभी आएंगे जब पाप खड़ा बन जाए, लेकिन इसकी हृदय में तो दया की भावना उमड़ रहा है। इतने में श्री नारद जी बिना बदात बजाते आ गए, बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। Thank you.
कंस को एक गोपनीय स्थान में बुलाए, बोले देखे कंस अभी अभी मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ। ब्रह्मा जी सारे देवता को लेकर के मीटिंग कर रहे थे, जानते हो विषय क्या था? बोले तेरे को मारेंगे वैसे, ये जितने जदुवंशी और कोई नहीं सब के सब देवता, ये जितने गोपी और कोई नहीं सब देवियां, ये षड्यंत्र लेकर आए तेरे को मारने के लिए, और एक आठ दल का कमल फूल लाया था। बोले बोलो तो इसमें पहला नंबर को और आठवां नंबर को, बोले कैसे बताऊं, इधर से गिनो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बोले उधर से गिनो, बोले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बोले क्या बताना चाहते हो? बोले इतनी समझ में नहीं आ रही, अरे देवताओं का बात समझना बड़ा कठिन, तू तो इधर से गिन रहे हो, अगर वो उल्टा से गिनेंगे तो क्या होगा? बोलो जिसको एक कर रहे हैं ना वो हो जाएगा आठ, और आठ हो जाएगा एक, और ये जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे तेरे को नीट करके सब मारेंगे। बोले गुरु जी फिर क्या करूँ, सब बच्चों को मार दू? बोले भैया मैं यूँ बता, तू जानता तेरा बात जानता है, भड़का करके चलेंगे। इतने में कल सब छह छह बच्चों को मार दिए। बोले भैया छह बच्चे क्या है? काम क्रोध लोभ मद मत्सर, यही छह ऋतु। सबसे पहले अगर भगवान को हृदय में बैठा हो तो पहले छह शत्रुओं को मारो, उसके बाद में बलदेव प्रभु, बलदेव प्रभु को नहीं तभी धाम स्वरूप से बलदेव प्रभु, जो भगवान को हृदय में धारण करते हैं, भगवान की सेवक स्वरूप है, इसे श्री बलदेव प्रभु आए, और अष्टम गर्भ में भगवान श्री कृष्णचंद्र आते हैं। अभी भगवान कृष्ण आएंगे और एक साथ में देखो, अगर साधारण कोई मंत्री आते ना बच्चे किसका गोद में ले उसको, अगर साधारण अगर मोती यहाँ पर आए ना, देखना कितने स्वागत होता है। और ये कृष्ण कौन है? ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक आ रहे हैं, तो उनके लिए कितनी स्वागत नहीं होनी चाहिए। पूरा ये वृंदावन धाम दुलई जैसे सज गई, और यमुना कलकल कलकल नाम से बह रही है, कृष्ण की जय जयकार कर रही है, बस ही कृष्ण का निराला। और चंद्रमा अष्टमी रात में प्रभु आए, लेकिन चंद्रमा आधा, लेकिन चंद्रमा उस दिन पूर्ण चंद्रमा रूप में प्रकट हो गए, और ये पृथ्वी प्रसन्न हो रही है, सारा दुनिया जय जयकार कर रही है। और उसी समय भगवान ठीक रात 12 बजे ठाकुर जी देखो कि वसुदेव के कारागार में भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए, तो श्री कृष्ण के देखो कि वसुदेव बोले, बोले प्रभु तो आपका हमने बालक रूप में प्रार्थना किया था, आप तो 16 साल के घूमराए के शंकर चक्र गदा पद्म लेकर के आए हो, बोले पूर्व जन्म की बात याद करनी थी, पूर्व जन्म में तुम विष्णु और सुपता थे और बिना खाए पिए 10,000 साल तपस्या की। मैंने कहा ब्रह्मा को तुम लोग कहा आप जैसे हमें कोई बेटा दो, बोले मेरे जैसे तो कोई बेटा होते ही नहीं, मैं ही तुम्हारी बच्चा बन करके आ जाऊंगा, देखो अभी मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा, और मैं तुम गोकुल ले जाना, वहां पर एक बेटी मेरे को रखते तो बेटी बने आना। बोले प्रभु कैसे जाएंगे, हम तो बेटी बनी हुई। बोले चिंता मत करो, केवल मेरे को सर को ऊपर रखो, ये सारे दरवाजा खुल जाएगी, पहरादार सो जाएगा, ट्रेन खुल जाएगी और अपने आप चले जाओगे। तो भगवान श्री सर को ऊपर में वसुदेव महाराज रख करके धीरे 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 चल रहे हैं। भैया लेकर आ जाओ, आ जाओ भैया, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री श्री स्वागतम कृष्ण श्री स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण Thank you.
इसी को उद्देश्य में कुछ चोर लोग भी आ जाते हैं, जिनकी गले में कोई सोने की चैन है, सावधानते को तुम लोग गुजर समाज अपने आप को जानते हो, कोई अनजान व्यक्ति आए ना पकड़ कर पिटाई कर तुम्हारे पर, देख लो भैया उल्टा पुलटा लोग आए पकड़ कर पुलिस ने देखा Thank you.
सब क्या स्थिति और दिख रहे थे ना, हर चीज को प्रभु जी की अकेले, प्रभु जी की अकेले और बिस्कुट आप लोग ऊपर मिल जाएगी, ये केले और बिस्कुट आपको आर्थिक पहले बिस्कुट संत प्रसाद के साथ देना, किसको किसको नहीं देना कल राधाष्टमी बांटेंगे, ये बिस्कुट को रख दो कल राधाष्टमी के लिए, और ये केले को प्रसाद के साथ में सबको एक ही केले दे देना।